हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बजीज को हैंड फीड करवाने के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये टॉपिक तो, इस टॉपिक पे पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इस टॉपिक में मैं आपको आज जो है वो कम्प्लीट गाइड दूंगा, कम्प्लीट हर चीज़ जो है वो कम्प्लीट आपको बताऊँगा, आपको फीड करवा के दिखाऊँगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इनको हैंड फीड करवाने के अलावा, ठीक है? मैंने सोचा कि जब मैं करवा ही रहा हूँ तो आप लोगों को भी बता दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से काफ़ी भाई जो है मुझे यही सवाल कर रहे हैं कि यार आपने हैंड फीड किस तरीके से करवाएं, और काफ़ी मसले मसाइल हो जाते हैं। जैसे कोई मादी है, उसने अपने बच्चे को मारना शुरू कर दिया, ठीक है, छोटा बच्चा है, मारना शुरू कर दिया, उसको मटकी से निकाल के बाहर फेंक दिया, तो उसको उसके अलावा अगर उस बंदे के पास दूसरा कोई पेयर नहीं है जिसके उसी साइज़ के बच्चे हों, तो उसके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है हैंड फीड का। अगर हैंड फीड नहीं करवाएगा तो बच्चा मर जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से हैंड फीड करवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है भाई, आसान है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? आसानी से आप हैंड फीड करवा के उस बच्चे को बड़ा कर सकते हैं आराम से, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको जो है चले दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपके पास ये पानी होना चाहिए इसमें, ठीक है? पानी की मिकदार जितने बच्चे हैं आपके पास उतनी आप रखें, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपके पास ऐसा बर्तन होना चाहिए, ठीक है? और ये मटकी है, मटकी के अंदर ये कल से मैंने इनको जो है वो अपने पास रखा हुआ है, और दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, इनको मैं करवा रहा हूँ हैंड फीड। ये देख सकते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा है, तकरीबन 15 से 18 दिन का होगा, बाकी दूसरा 10 से 11-12 दिन का है, वाइट वाला। इनको रखते हैं साइड में, ठीक है? तो ये है, अब देखिए सबसे पहले आपके पास जो है वो ये चीज़ें होनी चाहिए, और हैंड फीड करवाने के लिए देखिए, अगर टेम्परेरी तौर पे अगर आपने एक या दो दफ़ा करवा दी है हैंड फीड, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि यार आप सीरीलैक ले लें, ठीक है? सीरीलैक से आप हैंड फीड करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपने बच्चे जो है वो अपने पास उठा लिए, जब बच्चे उठा लिए तो इसका मतलब ये है कि फिर उसको बड़ा करके ही आपने छोड़ना है, तो फिर हैंड फीड जो है वो आप फीड ले लें मार्केट से, ठीक है? मार्केट से फीड बहुत सारी अवेलेबल है। एक तो एग्जैक्ट नाम होता है फीड का, ठीक है, ठीक है, ये इसका नाम है EXACT, एग्जैक्ट, ठीक है, ये 2000 रुपये के 1 kg का फीड है, ठीक है, इम्पोर्टेड है, बाहर की फीड है, बहुत अच्छी फीड होती है। मैंने भी वही लिया, लेकिन मैंने 1 kg की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने आधा पाव लिया है, ठीक है, 250 रुपये का मिला है मुझे आधा पाव, ये आपको दिखा सकते हैं, ये फीड है। और जो मैंने पहले बताई थी एक पाव तकरीबन 300 रुपये इस तरीके से, वो न्यू ट्रीट ऐसे करके कुछ थी जो मेरी पुरानी वीडियो में, वो भी बहुत अच्छी फीड है, वो लोकल है, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा खुराक देना है अपने बर्ड्स को तो आप एग्जैक्ट यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। अगर काम चलाना है कि कोई मसला नहीं है भाई, मैं काम ये बड़ा हो जाए बस, ठीक है, तो फिर आप वो जो लोकल है जो मेरी पहली वीडियो में थी वो आप उसको हैंड फीड करवा सकते हैं, ठीक है, उसी से। तो चले उसके लिए देखें, आपको ऐसा एक इंजेक्शन चाहिए होगा, ये इंजेक्शन मैंने ये छोटा इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास बजीज है, कोई बड़े पैरट्स नहीं हैं जो उनको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। 5 cc का इंजेक्शन है, तो 5 cc का इंजेक्शन आप ऐसा ले लें, ठीक है। ऊपर से आपने निडल रिमूव कर देना है, निडल रिमूव करने के बाद आपने करना ये है कि इसको जो है वो यहाँ पर ये पता है क्या है, ये रबड़, ये साइकिल का वॉल है, ठीक है, ये साइकिल की किसी भी दुकान से आपको मिल जाएगा, उसको कहें भाई साइकिल का वॉल चाहिए, तो वो उसने रबड़ मुझे दिया था, ये देख रहे, ये इतना बड़ा रबड़ था, ठीक है, ये इतना बड़ा रबड़ जो है वो 10 रुपये का मुझे दिया था, तो मैंने इससे काट के तकरीबन इतना जो है तकरीबन 4 से 5 इंच बड़ा आपने रबड़ जो है वो रखना है इस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर आपने इसको चढ़ा के, ठीक है, ऊपर इसके लगा दें, और उसके बाद जो है वो इतना बड़ा आप रख दें इसको, ठीक है, उसके बाद ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा हैंड फीड के लिए। तो ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से आपने देखे, मैंने कल भी इनको फीड करवाई थी लेकिन मुझसे थोड़ा सा ज़ाया हो गया था, मैंने ज़्यादा बना दिया था। देखिए यार, ये महंगी फीड है, 250 रुपये का आधा पाव, इसका मतलब है तो यार बहुत महंगा है, ठीक है, 2000 रुपये का 1 kg है, तो आपने उतना ही ले, उतना ही पानी डालें, उतने पानी में मिलाएं जितना वो खा सकते हैं, मतलब फीड आप करवा सकते हैं। तकरीबन ये 1.5 cc जो है, सॉरी 1.5 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन और आधा इंजेक्शन इतना लगता है दोनों को फीड करवाने में, ठीक है, एक टाइम पे दोनों एक टाइम इसमें आराम से फीड कर लेते हैं, और कोशिश यही करें कि एक टाइम के लिए बनाएं, ठीक है,
हर टाइप के लिए अलग अलग ताज़ा फीड बनाए रखे ना रहे। आजकल चींटियों का यार बड़ा मसला है, जहाँ रखो चींटियाँ आ जाती हैं, जहाँ रखो। मैंने भी फीड बना के सुबह कल सुबह रखी थी, मैंने कहा शाम को भी चलो इनको दे दूंगा, तो वो देखा रात में शाम में चींटियाँ आ गई थी, सारा ज़ाया हो गया। तो ये देखे ये पानी जो है वो, इसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया है, हल्का सा गर्म करना क्यों ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि इससे इससे ये होता है कि फीड जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बर्तन ले, यहाँ पे आपने इस तरीके से पानी भरना है इसमें, यहाँ से ये पानी मैंने भरा, ठीक है, एक इंजेक्शन हो गया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, और ये आधा रख दिया, ठीक है। बस इतने पानी में मुझे जो है वो हैंड फीड बनानी है, बस इससे ज़्यादा नहीं, ताकि एक दफ़ा भी चल जाए ना यार, मतलब ज़्यादा हैंड फीड भी ज़ाया हो जाएगी, वो फिर मज़ा नहीं आएगा। और हर दफ़ा के लिए नया अगर बनेगा तो मतलब सही होगा, ताज़ा ताज़ा उनको मिलेगा खाने के लिए। तो अब यहाँ से जो है वो ये निकालें, ओके व्यूअर्स। तो ये देखिए आपने इतना पानी है आपके पास, तो इतने पानी में आपने जो है वो ये ऐसा चम्मच एक डाल के देख ले, ठीक है, इसमें अब इसको मिलाएं, ठीक है, अच्छी तरीके से मिला ले, बिल्कुल सही तरीके से आपने जो है इसको मिलाना है। पानी थोड़ा सा जो है वो कम पड़ गया है, तो पानी हम डाल देते हैं, इतना गाढ़ा नहीं करना है आपने, वो तो बच्चों के हिसाब से, बच्चे जितने आपके जो है वो पैरट्स के बड़े हैं छोटे हैं उस हिसाब से जो है आपने फीड रखनी है। ओहो, ठीक है, तो उस हिसाब से आपने रखना है ये, तो इसको अच्छी तरीके से मिलाना है, ठीक है। ताकि पूरा इसमें हल हो जाए, तो के व्यूवर्स इसको मैंने मिला लिया। अब देखिए ये कितना गाढ़ा है और क्या मतलब कितना पतला है, ज्यादा गाढ़ा नहीं हो ताकि इनको हजम करने में मसला हो, और ज्यादा बहुत ज्यादा पतला नहीं हो कि वो फीड कम हो उसमें और पानी ज्यादा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे बड़े हैं, 25 दिन के 26 दिन के बच्चे हैं, तो उसको थोड़ा सा गाढ़ा आप इससे बना दे तो वो बेहतर है, ठीक है, इतने बच्चों के लिए इतना बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इनको ये यहाँ पर इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है, अब निकालते हैं बच्चों को बाहर, यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार ये घास क्यों डाला है, मैंने घास इसलिए डाला क्योंकि यार ये दो बच्चे थे अंदर, बिल्कुल ये प्लेन थी मटकी, ठीक है, और ये इनके पांव फिसल रहे थे उसमें, पांव फिसल के इनके पांव खराब भी हो सकते हैं इस तरीके से। तो अगर आपके पास कोई लकड़ी का बुरादा है, जैसे कारपेंटर के पास बुरादा पड़ा हुआ होता है नीचे, वो अगर आप इकट्ठा करके इसमें डाल दें, ठीक है, दो दो तीन तीन दिन के बाद चेंज कर दें तो बेहतर रहेगा। अगर वो नहीं है इनकेस, तो ये घास भी आप डाल सकते हैं, इसमें बस ये है कि इनको ज़रा आसानी हो जाएगी बैठने में, वरना जो है वो उसमें मसला हो जाता है, ठीक है। तो चले इसको हम निकालते हैं और फीड करवाते हैं इनको, ओके व्यूअर्स। तो ये बच्चा आप देख सकते हैं, इसका पोटा बिल्कुल खाली है, ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है अभी, तो ऐसे मैं तो इनको दो दफ़ा फीड करवा रहा हूँ, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। अगर सही तरीके से आप फीड करवा दें दो दफ़ा तो बहुत है इनके लिए, ठीक है ना। ये बच्चा है तकरीबन, होगा ये 15 दिन का, 15 से 16 दिन का, इस तरीके से, चलो जो भी है खैर है। अभी आपने यहाँ से इस तरीके से फीड भरनी है इसमें, ठीक है व्यूअर्स। से मैंने पूरा जो है वो इंजेक्शन भर लिया है फीड का, अब ज़रा जो है इसको फीड करवाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें जो है वो ये फीड लग गई है, तो इसको जो है वो हमने करना ही है कि थोड़ा सा इसको साफ कर देना है, ठीक है, मतलब पानी में इसको थोड़ा साफ कर दे ताकि जो है वो फीड इससे हट जाए ये, ओके व्यूअर्स। तो ये पकड़े बच्चे को इस तरीके से, ठीक है, ये ज़बरदस्ती खाने के लिए कर रहा है,
ये यहाँ पे इसके इस तरफ से ये साइड से डालें, ठीक है, साइड से डाल के थोड़ा सा अंदर ले जाएं, ठीक है, ये ज़रा सा आप अंदर ले गए, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ये आपने थोड़ा हल्का हल्का पुश करना है इसको। ये देखिए खाना शुरू हो गया ये, ठीक है, हल्का हल्का आपने पुश करना है ताकि ये आराम आराम से फीड इसके अंदर चली जाए, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ पे इस तरीके से ये डाला मैंने और हल्का हल्का बिल्कुल, ये इसको मैंने काफी दे दिया है। अब देखते हैं जरा, नहीं अभी अभी भी पूरा नहीं हुआ है, मतलब इसका पोटा भरा नहीं है पूरा, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका पोटा आप जरा चेक करें कहाँ जा रहा है यार, ये जबरदस्ती खाने के लिए कर रहा है मुंह खोल के। ये देखें, ये इसका पोटा अभी पूरी तरीके से भरा नहीं है, शाम तक ये चलेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको दे देते ताकि इसका जो है वो सेटिंग हो जाए, ठीक है ना। अभी भी ये देखें इसको जरा, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ से डालें, थोड़ा सा पाइप को अंदर ले जाए, तो ठीक है। इसको यहाँ से हमने डाला साइड से थोड़ा सा अंदर, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से हल्का हल्का सा पुश करें, हल्का हल्का, चले आराम से निकाल ले बस। अब ये इसका जो है वो काम हो गया खत्म, ठीक है बिल्कुल। अब देखे इसका पोटा माशाल्लाह से भर गया है, ठीक है। इससे ज्यादा ना दे, इससे ज्यादा अगर देंगे तो वो ये है कि फिर दोबारा वो उल्टी करेगा, ठीक है। उससे फिर बच्चा जो है वो मर भी सकता है, बड़ा मसला हो जाएगा उसके लिए, ठीक है ना, उल्टी वगैरह कर देगा बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आराम से इसको देना है, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बच्चा है ये, बड़ा होकर इंशाल्लाह स्पेंगल बनेगा ये, और ये इसको हम बड़ा करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर बड़ा होगा ये, ठीक है व्यूवर्स। तो इस तरीके से आपने इसको दे देना है, ठीक है। इसको दिया, उसके बाद इसको हमने रख दिया यहाँ पे। अब छोटे वाले बच्चे को निकालते हैं। इसको हमने देखे एक इंजेक्शन से थोड़ा सा कम दिया है, मतलब पूरा इंजेक्शन से थोड़ा 1 cc कम होगा, 1 ml कम होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए अब इसको जो है वो छोटा वाला जो है उसको आधा इंजेक्शन देना है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, पौना मतलब, ठीक है। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको निकालें। ये देखिए व्यूवर्स, ये छोटा बच्चा है काफ़ी यार, ये मतलब जो है ना वो 10 दिन का होगा आई थिंक, ठीक है। माशाल्लाह से बच्चा बड़ा प्यारा है, ये देखिए खाने के लिए कर रहा है, ये देखें बच्चा बहुत ही अच्छा है यार, बच्चे तो सारे ही अच्छे होते हैं ओके व्यूवर्स। तो इसको हमने इतना भरा है, ये पूरा नहीं किया, पौना है तकरीबन, ये पौना इंजेक्शन है, ठीक है, 5 cc का। तो ये हम बच्चे को पकड़ते हैं इसको, ठीक है, और इसको हम जो है वो डालते हैं साइड से, ठीक है, थोड़ा सा अंदर डाला। अब ये देखें ये खुद ही जो है वो इसको जब फूड अंदर मिलेगा तो ये खाना शुरू कर देगा, ठीक है, ये देखें। आहिस्ता आहिस्ता डालना है, ठीक है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा तेज़ नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ओए पाइप निकाल दिया मुंह से चलो खैर हो गई। अच्छा ये इसके इसका एक निडिल भी मिलता है ना, ठीक है, निडिल जो है वो भी डाल के आप करवा सकते हैं। लेकिन यार मैं निडिल लेने गया था, निडिल भाई 400 रुपये का निडिल मिल रहा था, तो इतना महंगा, मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगा है, इससे पाइप से काम चला लेंगे यार, साइकिल का वॉल है ना, इसके पाइप से जो है वो काम चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अंदर डालें ताकि फ्लीट बाहर ना निकले, ये डाला आपने, यार बार बार ये निकाल रहा है, चलो खैर हो गई। लोग तो जो है वो पूरा निडिल डाल के अंदर मैदे तक पहुंचा देते हैं यार, इतना ज़्यादा अंदर नहीं डालें, बस इतना डालें कि फीड अंदर चली जाए उसके, ठीक है। बस ये हो गया इसका काम ज़बरदस्त, ठीक है। अब ये बिल्कुल बच्चा सही है, कल से इसको मैं इसी तरीके से फीड करवा रहा हूँ,
अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मसला नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब इसके इसका आप देख सकते हैं, ठीक है, पोटा माशाल्लाह से भर गया है इसका। ठीक है, तो अब ये बेहतर हो गया, बिल्कुल सेटिंग पे आ गया। ठीक है, अब इसको हम रखेंगे। अभी और खाने की कोशिश कर रहा है, ये देख रहे हैं, ये मुंह खोल के, ये देखिए, ये देखिए, ये बोला और दो। नहीं, अगर आपने फर्स्ट टाइम इस तरीके से किया है तो ज़रा एहतियात रखें, ठीक है, ज़्यादा मत खिलाएं, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं कि उल्टी का उसका जो है वो मसला हो जाए, उल्टी करना शुरू कर दे वो, तो उससे कोई मसला हो जाता है, ठीक है, और बच्चा मर भी सकता है। तो आपने जो है वो उतना ही देना है, ठीक है, मतलब अभी आप इसको जैसे ये आपने सुबह का टाइम है 8 बजे का, ठीक है, 8 बजे आपने इसको इतना फीड दे दिया, ठीक है, फूल गया है पूरा इसका पोटा। तो उसके बाद आपने करना ये है कि इसको थोड़ा सा नीचे इस तरीके से कर देते हैं ताकि वो अंदर इसके जो है वो सही से उतर जाए, सही से उतरेगा तो ज़रा सेटिंग पे आ जाएगा, ठीक है ना। चलो खैर हो गई, बच्चा बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपने करना है। अब ये है कि शाम को 4 बजे, 5 बजे, 5 बजे जो है ना इसको दूसरा हमने डोज देना है, ठीक है, 5 बजे के बाद, 5 बजे अगर दूसरा डोज देंगे उसके बाद आप इनको रख दें, बस उसके बाद ये सेटिंग इनकी आ जाएगी। 2 दफ़ा आपने इनको देना है, यही फीड देनी है और कुछ भी नहीं देना, और कुछ भी चीज़ नहीं देनी। ये बच्चे हैं अभी छोटे, ठीक है ना, इनसे मतलब ज़्यादा जो है वो खाने की तवक्को नहीं रखेंगे, ये कुछ खाएंगे, ये कुछ भी नहीं खाएंगे, आप जो इनको खिलाएंगे बस वही खिलाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, चलो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे इस मटकी के अंदर, ये मैंने रख दिया इनको, ठीक है, और 2-2 दिन के बाद जो है वो घास से चेंज करते रहें ताकि जो है वो गंदा ना हो घास। तो मैं इसको दोबारा से चेंज करूँगा इंशाल्लाह घास को, घास मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई है, ये निकाल के दूसरी डाल दूंगा नई वाली, तो सेटिंग भी आ जाएगी। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, मतलब कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, अच्छी तरीके से बंदे को पता चल जाए, ये यार नाजुक टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है, बच्चों को फीड करवाना इसमें थोड़े मसले भी हो जाते हैं, बच्चे मर भी जाते हैं। मैंने आप लोगों को टाइम बिल्कुल जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाई हैं, ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, फी अमान अल्लाह।